दिल्ली में पानी के मुद्दे पर आग लगी हुई है, यह आग सियासत की है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन तोड़ रही है, इसके साथ छेड़छाड़ कर रही है और इसके लीकेज के फर्जी वीडियो वायरल कर रही है। मामला दिल्ली का पानी रोके जाने से शुरू हुआ था और अब बात इन आरोपों तक जा पहुंची है, जिस पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। पानी तो पीना पड़ता है, कितना मार हो रहा है रोज यहाँ पे, पानी भी ऐसे होता है, सुबह 4 बजे नंबर लगाए, 4 महीने से बहुत परेशान है। दिल्ली प्यासी है लेकिन पानी के नाम पर सियासत की यहाँ आग लगी हुई है। स्थिति यहाँ तक आ पहुँची है कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पानी की पाइपलाइन तोड़ने, इसे छेड़छाड़ करने और वाटर लीकेज के फर्जी वीडियो वायरल करने तक के आरोप लगा डाले हैं। देखिए, ये भाजपा की निम्न स्तर की राजनीति का एक और उदाहरण है। ये इतनी निम्न स्तर की राजनीति भाजपा को छोड़नी चाहिए, बीते इलेक्शन से सीखना चाहिए कि आज मोदी जी को 2 बैसाखियों की जरूरत है और वो इसी नकारात्मक राजनीति का परिणाम है। अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में आम आदमी पार्टी लगभग 10 साल सत्ता में रही। दिल्ली की जनता को पानी की समस्या से निजात दिलाने के बजाय उलझाने और घोटालेबाजी में। आम आदमी पार्टी सरकार का दावा है कि दिल्ली में पानी की लीकेज के आरोप झूठे हैं। ये सियासत तब हो रही है जबकि देश की राजधानी में हर दिन तकरीबन 50 मिलियन गैलन पानी की कमी है। पानी की कमी दूर करने के लिए इमरजेंसी उपाय करने की मांग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, बावजूद इसके अब तक समाधान की मुकम्मल राह तैयार नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपर यमुना रिवर बोर्ड पर छोड़ा है। अब इसकी बैठक पर सबकी निगाहें हैं। केजरीवाल सरकार कह रही है कि जब तक बैठक नहीं हो जाती तब तक दिल्ली वाले सावधानी से पानी खर्च करें क्योंकि ये बेहद कम है। बीजेपी की जो सरकार है हरियाणा की, वो हमसे दुश्मनी निकालने पे लगी हुई है। हमसे दुश्मनी निकाली है कोई बुरी बात नहीं, लेकिन दिल्ली के लोगों को सजा क्यों दे रहे हैं भाई? 7 सांसद तो आपके जिताए दिल्ली के लोगों ने, और क्या हो गया? कहाँ है वो 7 सांसद? दिल्ली सरकार ने डेटा जारी किया है कि हर दिन दिल्ली में 1005 MGD पानी का उत्पादन होता है, लेकिन ये भी लगातार घट रहा। 13 जून को सिर्फ 939 MGD ही प्रोडक्शन हुआ, यानी जितना कम उत्पादन हुआ उतनी पानी की कमी रहने वाली है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश से जरूरत के पानी की कमी पूरी होने की उम्मीद भी धुंधली हो चुकी है क्योंकि राज्य के पास 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है जो दिल्ली को दे सके। दिल्ली में खर्च होने वाले पानी की 90% जरूरत दूसरे राज्यों से पानी की आपूर्ति पर निर्भर है, इसलिए ये संकट चुनौती बन गई है। इसी बोरिंग को लेकर के सबको आसरा है, ये खारा पानी है, पीने से गला बैठता है, बीमार पड़ता है, फिर भी हम लोग मजबूरी में पी रहे हैं। पानी मिलता नहीं है और वहाँ पे जाते हैं पानी देते नहीं है, ब्लॉक करते हैं खूब, 400-800 हजार, मतलब उनके जितना आ जाए उतने ब्लॉक करते हैं। ये पूरे दिन हम 11-12 घंटे इंतजार करते हैं, जल बोर्ड में जाते हैं, वहाँ क्या बताएं, ऐसा दुर्व्यवहार हमारे साथ किया जाता है। प्यासी दिल्ली को सियासत से राहत की उम्मीद न के बराबर है, उम्मीद है तो मानसून से जो 30 जून तक राजधानी में दस्तक दे सकता है।